हेलो फोर्थ क्लास, गेट रेडी फॉर टुडेज एसएस क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी, इफ ऑल फॉरेस्ट वर कट डाउन, हाउ डू यू थिंक इट विल इफेक्ट अस? स्टूडेंट्स, व्हेन फॉरेस्ट आर कट डाउन, इट इज़ कॉल्ड डीफॉरेस्टेशन। इट इफेक्ट्स डिफरेंट पीपल डिफरेंटली। एज यू नो, वी आर डूइंग ब्लॉक 17, आर ग्रीन कवर, एंड टुडे वी विल लर्न हाउ डीफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स पीपल। Now please open your content book at page number 1 and read the story 2. In the village of Dungri Patoli in the Himalayas, the people faced a choice. The government wanted to cut down trees to make a farm near the house, near the village. Village ke paas ek farm banana chahti thi government. The man of the villages felt that this was a good idea because they could earn more money. मैं जो गांव के आदमी थे, उन्हें लगता था कि ये अच्छा आइडिया है, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। द वुमेन इन द विलेज डिसएग्रीड, लेकिन जो औरतें थी विलेज में, वो नहीं मान रही थी इस बात को। देयर डेली वर्क इंक्लूडेड कलेक्टिंग फायरवुड एंड फूड फॉर एनिमल्स। उनका जो डेली काम था वो क्या था? फायरवुड इकट्ठे करने थे और एनिमल्स के लिए फूड लाना था। इफ द फॉरेस्ट वॉज कट डाउन, दे वुड हैव टू वॉक फॉर फार टू कलेक्ट दीज थिंग्स। फिर उन्हें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता अगर फॉरेस्ट को कट कर दिया जाता। दे फेल्ट दैट देयर लाइव्स वुड बी बेटर इफ फ्यूल, वाटर, फूड फॉर एनिमल्स एंड अदर नेसेसरी थिंग्स वर अवेलेबल नियर बाय। औरतों को लगता था कि उनकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी अगर जो भी उन्हें फ्यूल चाहिए है, वाटर चाहिए है, एनिमल्स के लिए फूड चाहिए है और जो भी अदर फैसिलिटीज़ हैं वो उन्हें चाहिए हैं, वो नियर बाय होगी तो लाइफ और इजी हो जाएगी। द वीमेन वर स्ट्रॉन्ग एंड स्टार्टेड अ पीसफुल फाइट टू सेव द फॉरेस्ट। वीमेन्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी तो उन्होंने एक पीसफुल फाइट शुरू कर दी। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द मैन इन देयर ओन विलेज। अदर चिपको प्रोटेस्टर्स सपोर्टेड दम। जो दूसरे चिपको आनंद के लोग थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। फाइनली द मैन एग्रीड टू नॉट कट डाउन द फॉरेस्ट। और इससे क्या हुआ, जो मैन थे वो भी मान गए कि हाँ, अब फॉरेस्ट नहीं कट होंगे। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दिस स्टोरी इज अडॉप्टेड फ्रॉम चिपको एंड अपिको। हाउ द पीपल सेव द ट्रीज बाय पुंदर्ग हैंग इन 1988। सो आई होप स्टोरी इज क्लियर टू यू ऑल। हेयर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन द स्टोरी व्हाई डिड द वुमेन फील द फॉरेस्ट वर यूजफुल। नेक्स्ट वन इज, हाउ डज कटिंग डाउन द फॉरेस्ट अफेक्ट द वुमेन। एंड लास्ट वन इज, हाउ डज कटिंग डाउन द फॉरेस्ट अफेक्ट द मैन। क्लियर? सो लेट्स डिस्कस। The women felt their lives will be harder if the forest is cut down. Women's को लगता था कि उनकी life harder हो जाएगी अगर trees को cut down किया जाएगा, because they get important things like firewood and food for animals from the forest. If the forest is cut down, they would have to go far away to get these things. The men felt that their lives will be better by cutting down the forest and making a farm because they may earn more money from the farm. I hope answers are clear to you all. Now students, tell me, what are some difference in how the two groups are affected when forests are cut down? How are we in cities affected when forests are cut down? Let's discuss some important facts about this lesson. The women feel that their lives can only be better if things like firewood were available closer and not far away. उनको लगता था कि उनकी लाइफ जो है वो ईजी रहेगी, कम्फर्टेबल रहेगी अगर उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए। द मैन फेल्ट दैट हैविंग मोर मनी वुड मेक देयर लाइफ मोर कम्फर्टेबल एंड बेटर इन। क्लियर? सो मैंस को लगता था कि अगर उनके पास मनी ज़्यादा होगा फार्म बनने से, तो उनकी लाइफ और ज़्यादा कम्फर्टेबल हो जाएगी और बेटर हो जाएगी। In the cities, we depend on forests to clean the air and store water in the ground. If forests are cut down, we will not have clean air or enough water. Without forest, we will not be able to get things like wood and many medicines.
Cutting down forest affect different people in different ways. We must think about whom it can affect and how it may affect them and prevent cutting down forest as much as possible. I hope you understand that. Now tell me, how could cutting the forest affect domestic animals and animals that live in forests? Students, cutting the forest means that domestic animals may be getting less food. क्योंकि अगर फॉरेस्ट कट हो जाएंगे तो उन्हें कम फूड मिलेगा बिकॉज द वुमेन विल हैव टू गो फार अवे टू गेट फूड. लेकिन फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि जो औरतें हैं उन्हें बहुत दूर तक जाना पड़ेगा उनके लिए फूड लेने के लिए. क्लियर? सो उन्हें कम फूड मिलेगा. एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट विल लॉस देयर होम एंड फूड टू ईट इफ़ द फॉरेस्ट इज कट. जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका तो होम ही फॉरेस्ट होता है, और अगर वही कट डाउन हो गया तो उनका होम छिन जाएगा और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा एंड सून दे विल डाई. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ प्लीज ओपन योर कंटेंट बुक ऑफ एसेस लेसन नंबर 3. व्हाट हार्म्स फॉरेस्ट्स. मैनी थिंग्स डैमेज फॉरेस्ट लाइक कटिंग ट्रीज फॉर वुड एंड मीनिंग. लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट रीजन्स वाई वन पर्टिकुलर फॉरेस्ट प्लांट द बैम्बो इज कट डाउन. सो डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है? क्योंकि हम हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए, हम पैसों के लिए फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, या फिर कुछ और रीजंस है जैसे कि हमें उनसे वुड चाहिए होती है, सो इसीलिए फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल. नाउ दीज आर योर कीवर्ड्स, डिफॉरेस्टेशन एंड फायरवुड. यू हैव टू राइट दीज कीवर्ड्स इन योर नोटबुक. नाउ यू हैव टू open your worksheet as three forests are disappearing. So first question is, what was the choice that the people of Dungri Patoli faced? जो Dungri Patoli के लोग थे उन्हें क्या क्या situation जो है उनको face करनी पड़ी थी. The government wanted to cut down trees to make a farm near the village, and the man of the village felt that this was a good idea because they could earn more money. But women were disagreed because they have to go far away to get firewood and food for animals. Clear? Next question is question number 2. What reasons did the women give for protesting against the cutting of trees? What reasons did the man give for cutting the forest? Men aur women ne kaun kaun se reasons diye the? The man of the village gave reason that it is a good idea because they could earn more money. But the women gave reason that their daily work, including collecting firewood and food for animals, if the forest was cut down, they would have to walk far away to collect these things. Next question is question number 3. Make 2 drawings in the boxes below. In the first box, is first box mein aapko kya draw karna hai? Show how the place will look if the women succeed. वो प्लेस कैसा लगता अगर विमेंस जो वो सक्सीड हो जाती तो हर जगह फॉरेस्ट कट नहीं होता, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन नहीं होता, और हर जगह पे जो पेड़ पौधे हैं वो लगाए जाते हैं और भी. क्लियर? सो यू हैव टू ड्रॉ. इन द सेकेंड बॉक्स शो हाउ द प्लेस विल लुक इफ द मैन सक्सीड. अगर मैन सक्सीड हो जाते तो प्लेस कैसा लगता? डिफॉरेस्टेशन हो जाता और कहीं भी दूर दूर तक हमें पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते. क्लियर? Include people, trees and animals in your drawings. और आपको अपनी drawings, अपनी दोनों ही drawings में people, animal और trees को draw करना है. So you have to complete this worksheet. Now you have to complete practice question number 7. What are some ways in which forests are damaged? So you have to complete this practice question. Thank you everyone for watching this video.